नमस्कार, मैं विशाल कुमार, आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। बहुजन समाज से जुड़ी हुई तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर आज हम आपके बीच फिर से हाजिर हुए हैं। एक नहीं बल्कि तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हुए हैं। तमाम छोटी बड़ी खबरों को विस्तार से समझाएंगे, साथ ही साथ लोकसभा आम चुनाव 2024 से जुड़ी हुई वो खबरें भी हम आपको बताएंगे जो आपसे छुपाई जा रही हैं मेनस्ट्रीम मीडिया द्वारा। फिलहाल आप इस वीडियो में आखिरी तक बने रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती ने इंडिया गठबंधन को लेकर एक बड़ा फैसला ले लिया है। सीट बंटवारे के गुप्त जो सूत्र हैं वो सामने आ रहे हैं। सीट कितनी किसके हिस्से में जा रही हैं ये आज की इस वीडियो हम आपको बताएंगे। फिलहाल चंद्रशेखर आज़ाद भी कहीं ना कहीं सीट बंटवारे से सहमत हैं। चंद्रशेखर आज़ाद के लिए क्या नई नई सीट छोड़ी जा रही है या नहीं ये भी हम बताएंगे। आप इस वीडियो को शेयर करें तो आइए हम आपको पूरी खबरें विस्तार समझाते हैं। जैसा कि मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, अभी इसी वर्तमान के समय में लोकसभा आम चुनाव की चर्चा काफ़ी ज़्यादा तेज है। तमाम राजनीतिक दल के नेता अपनी अपनी पार्टी के लिए सीट बंटवारा यानी कि सीट की मांग रख रहे हैं। इंडिया अलायंस में इस समय काफ़ी ज़्यादा बड़ा बिखराव देखने को मिल रहा है। इधर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपने तमाम उम्मीदवारों की लिस्ट सूची जारी कर दी है। लगातार टीवी चैनलों पर खबर चलाई जा रही है कि डिंपल यादव मैनपुरी से लड़ेंगी, आजमगढ़ से उनके भाई लड़ेंगे, अखिलेश यादव यहाँ से लड़ेंगे। ये तमाम ऐसी खबरें जो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रही हैं। इसी बीच बहुजन समाज पार्टी की भी चर्चा काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। वहीं चंद्रशेखर आज़ाद के भी नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है इस समय। मैं आपको बताने की कोशिश करूँ तो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती लगातार दिल्ली, कभी लखनऊ, लगातार अपने प्रदेश राष्ट्रीय नेताओं से मुलाकात कर रही हैं। अभी हाल फिलहाल में मायावती जी लखनऊ हैं। मायावती जी 15 जनवरी अपने जन्मदिवस के मौके पर एक बड़ा फैसला लेने जा रही हैं। उस फैसले का इंतज़ार पूरा देश दुनिया कर रहा है। इंडिया अलायंस के तमाम नेता उस फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में मायावती जी ने अपने जन्मदिवस के मौके पर ही समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था। मायावती ने समाजवादी पार्टी के साथ जब गठबंधन किया था तो बहुजन समाज के लोगों में जमीनी स्तर पर काफ़ी ज़्यादा खुशी थी और एक बहुजन समाज के लोग बहुजन साथी इस तरीके का तमाम एक गठजोड़ बनाकर उस राजनीतिक गठबंधन को देख रहे थे। अभी वो गठबंधन काफ़ी ज़्यादा बिखर गया। मायावती और अखिलेश यादव के बीच इतना राजनीतिक घमासान युद्ध चल रहा है कि एक दूसरे के नेता एक दूसरे के पार्टी का नाम सुनते ही काफ़ी ज़्यादा भड़क उठते हैं। फिलहाल गुप्त सूत्रों के माध्यम से सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा है कि सीट बंटवारा कुछ इस तरीके से होना चाहिए। जैकी यादव ने एक पोस्ट किया है। जैकी यादव का जो पोस्ट है, जो ट्वीट है, सीट बंटवारे का जो आंकड़ा है वो अखिलेश यादव के समर्थन में ज़्यादा दिख रहा है। जैकी यादव का ऐसे ही जो पोस्ट आता है वैसे ही बहुजन समाज पार्टी के तमाम समर्थक अपना अपना आंकड़ा पेश करते हैं। फिलहाल जैकी यादव ने जो लिखा वो आप देख लीजिए। जैकी यादव ने लिखा है, यदि 2024 लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में मायावती शामिल होती हैं तो सीटों का बंटवारा कुछ यूं किया जाना चाहिए। कुल सीटें उत्तर प्रदेश में 80 समाजवादी पार्टी के खाते में जानी चाहिए, 40 बहुजन समाज पार्टी को मिलनी चाहिए, 20 वहीं कांग्रेस को 10, RLD को 7, ASP को 1, अन्य को 2। ये जैकी यादव ने, ये मेरा समीकरण है, मगर उससे बड़ा समीकरण मायावती जी का गठबंधन में आना है। यह जैकी यादव का कहना है। फिलहाल बहुजन समाज पार्टी के तमाम समर्थक जैसे ही जैकी यादव ने अपना समीकरण, अपना जो आंकड़ा सोशल मीडिया पर रखा, वैसे ही बहुजन समाज पार्टी के तमाम समर्थक भड़क उठे। जैकी यादव को जवाब देते हुए वीरेंद्र कुमार अपना आंकड़ा साझा करते हैं। अगर BSP इंडिया गठबंधन में आती है तो सीटों के हिसाब से बसपा इन सब में सबसे बड़ा दल है। सीट का गणित बसपा 35, सपा 30, कांग्रेस 10, रालोद 5। इस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के तमाम समर्थक सीटों का आंकड़ा रखते हैं। लोकसभा चुनाव की चर्चा इस समय काफ़ी ज़्यादा तेज है, पर राजनीतिक दल के नेता एकजुट होकर वो चर्चा तेज नहीं कर रहे हैं। अपनी अपनी पार्टी को लेकर तमाम राजनीतिक दलों के नेता सोचने पर मजबूर हैं कि हमारी पार्टी किस तरीके से
लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। ये नेता तमाम सोचने पर मजबूर हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपनी धुन में लगे हुए हैं। अखिलेश यादव लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियों में डटे हुए हैं, लगातार उनकी बैठकें जा रही हैं। इस समय जो वर्तमान में सबसे ज़्यादा जो एक्टिव नेता दिखाई दे रहे हैं वो अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं, लगातार प्रदेश कार्यालय पर कार्यकर्ताओं के बीच ऐसा कोई दिन नहीं जब अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात ना कर रहे हों। कांग्रेस की तरफ अखिलेश यादव इस समय बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। अपनी पार्टी को, अपनी पार्टी की बूथ सेक्टर की टीम को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर अखिलेश यादव ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि अखिलेश यादव ने साफ कह दिया है, अगर कांग्रेस मायावती को गठबंधन में लाएगी तो हम इस गठबंधन से दूरियां बना लेंगे। फिलहाल राजनीति में कुछ भी संभव है, कुछ भी असंभव है। संभव यह है कि मायावती भी गठबंधन में रह सकती हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी गठबंधन में रह सकते हैं। असंभव यह है कि मायावती गठबंधन में नहीं भी आए और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और कांग्रेस चुनाव मिलकर लड़े, और फिर कांग्रेस भी अलग लड़े, समाजवादी पार्टी भी अलग लड़े, बहुजन समाज पार्टी भी अलग लड़े। ये ग्राउंड पर देखा जा रहा है, ये लगातार देखा जा रहा है और इनमें काफ़ी ज़्यादा आपसी मतभेद दिखाई दे रहे हैं। तमाम न्यूज़ चैनल जो इस तरह की खबर आपके पीछे रख रहे हैं उससे साफ आप समझ सकते हो कि इंडिया अलायंस में एकता कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। फिलहाल चंद्रशेखर आज़ाद की भी चर्चा इस समय काफ़ी ज़्यादा चल रही है। चंद्रशेखर आज़ाद लोकसभा नगीना सीट से दावेदारी कर रहे हैं, लगातार चुनाव प्रचार वो कर रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने लगभग 150 से ज़्यादा अब तक गांव घूम लिए, घर घर जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं। 52% नगीना में मुस्लिम वोटर है, 22% लगभग दलित वोटर है। तो ये सब समीकरण लेकर चंद्रशेखर आज़ाद नगीना में चल रहे हैं और नगीना की सीट छोड़ने की बात चंद्रशेखर के समर्थन में यादव जग यादव भी कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद के लिए सीट छोड़नी चाहिए। वही बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी जैकी यादव के इस समीकरण से जो तमाम जो आंकड़े निकाले जा रहे हैं राजनीतिक विशेषज्ञों द्वारा, उससे बहुजन समाज के लोग काफ़ी ज़्यादा असहमत हैं। तो फिलहाल चंद्रशेखर आज़ाद नगीना सीट से चुनाव लड़ते हैं तो उनकी जीत किस प्रकार से होगी, इंडिया गठबंधन सीट छोड़े तो उनके लिए कितना फ़ायदा होगा, अगर ना सीट छोड़े तो कितनी मुश्किलें होंगी, वो आप मुझे अपनी राय कमेंट में देना। फिलहाल लोकसभा चुनाव की तैयारियां काफ़ी ज़्यादा तेज़ हैं, अपने अपनी स्तर से अपने अपने राजनेता दल लगे हुए हैं। गठबंधन किसी भी प्रकार से नहीं दिखाई दे रहा कि गठबंधन कोई है, गठबंधन सिर्फ और सिर्फ NDA यानी कि BJP का दिखाई दे रहा है। और आज भी इस देश में सबसे ज़्यादा मजबूत स्थिति में सिर्फ और सिर्फ BJP दिखाई दे रही है। फिलहाल आप क्या सोचते हो इस पूरी राजनीतिक घटनाक्रम पर, आप अपनी राय कमेंट में देना। आप देख रहे थे BMSN TV, BMSN TV फॉलो करें। धन्यवाद।